मैं पुष्पा देवांगन, पुष्पा को भी मैं आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कुमड़े की भाजी। ये भाजी बहुत टेस्टी लगती है, आप देखिए मेरी रेसिपी फॉलो कीजिए। फ्रेंड आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कुमड़े की भाजी, देखिए कितनी फ्रेश है। चलिए कुमड़े की भाजी देखिए, इसका हम लोग पत्ता पत्ता लेंगे, ये मैंने मार्केट से ख़रीदा है। इसका पत्ता ये सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ते का आप बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनता है ये। अब इसमें जो भी खराब पत्ता है उसको निकाल देंगे हम। चलिए भाजी को हम लोग तोड़ते हैं। देखिए मैंने कुबड़े की भाजी है ये पूरा है, इसको अच्छे से तोड़ लिया है। इसको ऐसा तोड़ना रहता है, देखिए इसमें रेसे हैं, ये रेसे को छोड़ के इसके बीच की पत्तियाँ निकालना पड़ता है। ये मुलायम है, ये पूरा सॉफ्ट है ये पत्ता, इसका रेसा मैंने निकाल दिया। और देखिए जो ख़राब पत्ते हो सब निकाल लिए हैं। ये कुमड़े की भाजी जनरली मार्केट में मिल जाती है, लेकिन ये अपने बगीचे में भी हम लगा सकते हैं। कुमड़ा आप जानते हैं, ये कद्दू, इसको कद्दू या कुमड़ा दोनों बोल सकते हैं। चलिए इसको हम लोग कटिंग करते हैं। ये मैंने कटिंग कर दिया है, ये पत्तियाँ छोटे छोटे पीस में ये कटिंग कर ली है। अब चलिए इसको हम लोग कुकर में बॉईल करते हैं। चलिए कुकर में ऊपर डाल देते हैं हम लोग भाजी को। ये भाजी छत्तीसगढ़ में हर किसी के घर में बनाया जाता है और खाने में बहुत टेस्टी है। देखिए इसका प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत ईजी है। जैसे नॉर्मल हम लोग कई भाजी बनाते हैं वैसे ही है। इसमें मैं ये आधा कटोरी चना दाल ऐड कर दूंगी। अब इसमें एक से डेढ़ गिलास मैं पानी डालूंगी, एक गिलास जैसा। ये डेढ़ गिलास पानी ये भाजी के डूबते तक। चलिए हम लोग इसको ढक्कन लगा लेते हैं। दो से तीन सीटी होगा कुकर में, तीन सीटी जैसे होगा उसको हम लोग बंद कर देंगे। के लिए हम लेंगे ये चार टमाटर, पांच से छह सूखी मिर्च और ये लहसुन 8-10 कली, इसको मैंने छील लिया है। टमाटर भी हम लोग कट कर लेते हैं। ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें एक बड़े चम्मच ऑयल ली हूँ। मेरा ऑयल गर्म हो गया है, आप कोई भी सरसों का तेल जैसे या रिफाइन ऑयल कोई भी ले सकते हैं। मिर्च और लहसुन को दोनों डाल देते हैं, फोड़न डाल देते हैं। देखिए ये मिर्ची और लहसुन दोनों अच्छे से फ्राई हो जाए, जैसे मिर्ची का कलर रेड से हल्का सा ब्राउन हो जाए, ब्लैक जैसा। फिर हम टमाटर डालेंगे। ये टमाटर मैंने कट कर लिया है। ये कुमड़ी की भाजी से हम लोग पानी को निकाल लिए हैं, उसको छन्नी में अच्छे से छान दिए, पानी पूरा निकल गया है। अब हम लोग टमाटर में नमक डाल देंगे, ये एक चम्मच डाली हूँ मैं, एक छोटे से चम्मच में, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ढक के छोड़ देते हैं पकने के लिए 2 मिनट के लिए। चलिए टमाटर हमारा अच्छे से भून गया है। अब हम लोग इसमें थोड़ा भाजी को डालते हैं, मिक्स कर लेते हैं इसको। देखिए हमारी भाजी हो गई है, इसमें हल्का सा पानी आया है, इसको थोड़ा सा सूखने देंगे। कुमड़े की भाजी खाने में बहुत टेस्टी होती है, इसको नॉर्मल रोटी पराठे के साथ आप खा सकते हैं, या फिर आप सूखे चावल में भी ऐसे मिला के खाएंगे, उसमें बहुत टेस्ट आता है। चलिए इसको 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। चलिए हमारी कुमड़ा भाजी रेडी हो गई है, गैस बंद कर देते हैं। चलिए मैंने सब कर दिया है, ये आप पराठे में नॉर्मल रोटी में किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी है ये। चलिए मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप मेरा लेटेस्ट वीडियो देख सकें। बहुत बोल रही है बेटू।
कुकर हमारा हो गया है। 3 सीटी के बाद मैंने इसको उतार दिया है, ये ठंडा भी हो गया। देखिए कितने अच्छे से पक गया है भाजी, हमारी कुमड़े की भाजी।